सो वेलकम टू मेरी व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं तो बढ़िया हूँ। सो भाई मैं अभी हूँ गोट में, जो घर के नीचे वाला हिस्सा होता है उसे कहते हैं गोट, जहाँ पर खाना बनता है या फिर लकड़ियाँ रखते हैं सुखाने के लिए, तो इसके अंदर है। तो देखता हूँ अभी मैं दिखा पाऊँ तो आपको, पर उससे पहले मैं कर लेता हूँ सुबह का ब्रेकफास्ट, क्योंकि 9:30 बजे तक हमको निकलना है यहाँ से, और अभी टाइम हो रहा 8 बजने में, जब 10 मिनट हैं, तो फटाफट हम खाना खा लेते हैं। कहाँ मिल ले, कहाँ बाहर खा बेटा, बाहर रख दिया बैग, वैसे पैक हो चुके हैं सारे। कह गया मैं यार, ओहो और भरत, ये बनार की सेवी है, तो फटाफट इसको पाड़ता हूँ। भैंस के दूध की सेवी है, बहुत गाढ़ा दूध होता है। तो बस भाई रेडी तो हो ही गए हैं, बस मेरे कपड़े रह गए, इसको लेके जाता हूँ। अरे यार ये तो गीले हो रहे हैं, ये भी गीला हो रहा है, ये तो पहनना ही है। कल रात के टाइम पता नहीं क्या था, इधर से आवाज़ आई थी, क्योंकि इधर की साइड देखो घना सा है, इधर का फूटा सा, बट अंदर की साइड कुछ भी हो सकता है। इधर अभी मम्मी जा किधर रहे हैं वैसे? जहाँ पर मतलब पितरों का स्थान होता है, जहाँ पर मम्मी मतलब बुबू का वो पत्थर भी रखा होगा, है ना? सभी होंगे, सभी हैं वहाँ पर, दादा परदादा। अच्छा, सभी के मतलब पत्थर रखे होते हैं उधर, है ना? पितरों का स्थान होता है जहाँ पर, वहाँ पर ये रोड से जाना होता है ऊपर की साइड, जहाँ जाना है अभी मतलब। मैं अभी जहाँ पर हम जा रहे हैं ना, पिछली बारी का ध्यान है, जब 2017 में आए थे तो जब मैं अलग चला गया था, बाघ का दहशत क्या, आप जिस रोड से नीचे की साइड जा रहे थे और आपके और दादी की ऊपर वाली रोड से बाघ गया था, मतलब वहाँ से बाघ होता हुआ गया, और मैं चौक में वहाँ पर आगे की साइड खड़ा हुआ, और वहाँ पर सबके सब खड़े हुए हैं देख रहे हैं, ये आवाज़ मार रहा है होई होई होई, बाघ बाघ बाघ। तो मैं कह रहा भाई बाघ किधर आ गया भाई, फिर वो कह रहे हैं भाई बाघ है उधर की साइड। मैं बोला यार हद हो गई, आप और दादी उधर ही की साइड हो, मतलब खेतों की साइड जा रही थी मम्मी और दादी। तब मैंने उसी टाइम आपको कॉल करा, लगा नहीं मैं भाई ये क्या बात है। फिर लगी कॉल थोड़ी देर बाद, तब मम्मी और दादी दूसरे खेतों में चले गए थे, और बाघ को भगाते भगाते ले गए थे, पता नहीं आगे की साइड बिल्कुल ही भगा भगा के। ये डर होता है भाई किसी भी टाइम दिखने का ऐसा। ओह देखो मुर्गियाँ हैं, ये दोनों मुर्गियाँ देख के हमारी मुर्गियों की याद आ गई, पहले जो थी हमें। अरे भागी, और अब यहाँ से नहीं इधर की साइड से जाना है, फिर उधर की साइड से इधर नहीं इधर की साइड जाना है, नीचे की वाइट। अच्छा यहाँ से ऊपर जाना है, पहले एक ऊपर से भी रास्ता है पर इधर की साइड से आए हैं अभी। आराम से आ रहा हूँ मैं तो, ये चप्पल उतारने इधर। ये देख निजाम तो निजाम, ये हरर अरे कहाँ पत्थर रखा था उस दिन, बुबू का पत्थर कहाँ पर रखा था बुढ़ापन? पुरमत। अच्छा ऊपर रखा था पुरमत, था हमें खुआ मत, वहाँ एक बड़ा सा पेड़ है ना शायद, टूटा हुआ पेड़ है क्या, वो उधर रखा होगा ना, भूमिया 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 मंदिर। अब जाते हैं ऊपर वाली साइड, यहाँ पर पितरों का स्थान है, और मतलब पत्थर रखे थे बुबू के लिए, मेरे दादा परदादा बड़े बुबू और दादी परदादी, जितने भी हमारे मतलब पूर्वज रहे होंगे उन सभी की, ताई वगैरह सभी की, जो भी हमारे पितर हैं। तो उधर के स्थान उसी प्लेस में जाते हैं अभी, और उनका आशीर्वाद लेते हैं। अभी जब दादाजी की बरसी थी मतलब मेरे बुबू की, तो हम गांव नहीं आ पाए थे क्योंकि लॉकडाउन हो रखा था, तो बड़े पापा आए थे, तो वो भी आए और गांव में 1-2 घंटे ही रह पाए, क्योंकि फिर क्वारंटीन होना पड़ता, नहीं तो क्योंकि जिस दिन वो आए थे उसके 2 दिन बाद ही क्वारंटीन होना शुरू हो गए थे सब। ये रहा पेड़, दादी इधर ही इधर ना, वो तो माथा ये दे दी है,
अच्छा और ऊपर है वो। हाँ अच्छा तो मुझे लग रहा है अभी शायद ऊपर नहीं जा रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर है और टाइम का भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बट यहीं से ही हम आराम से आशीर्वाद ले रहे हैं। आशीर्वाद मिला हम सबको अच्छे से कि ठीक से जाएं, ठीक से रहें सभी, क्योंकि हमारे पितरों का स्थान है यहाँ पर। और अब चलते हैं घर की तरफ क्योंकि टाइमिंग पहले हमने दी थी 9:45 की, तो 9:45 की हमने कर दिया अब 9:00 का, तो 9:00 हमको निकलना है और अभी टाइम हो रहा है 8:30। और जितना भी सामान हमने पैक कर रखा है वो पैक करा हुआ नीचे लेके जाना है, कम से कम 2-3 चक्कर तो लगेंगे। वो देखो सामने गांव दिख रहा है अपना और घर। अभी हमने किधर धुनी की साइड, अच्छा धुनी में जाके मत्था टेकना है अभी। फूल पत्ती दे तो तोड़ दे। कोई सी भी दादी लो, दादी ये भी लो। अच्छा आ सकता हूँ मैं ये देखो हाथ जोड़ दे। अच्छा वहाँ पर रखना। वाह यार चलो गांव का भी टूर हो रहा है अभी है मैं पूरा क्लियर दिख रहा है इसमें। देखो पूरा गांव का आपको टूर भी करा रहा हूँ अच्छे से। अच्छा हाँ यहाँ पर बना रहे ना, कल बात कर रहा था। कल दिन से मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे ना ऊपर बना रहे हैं। ये फूफा जी की दीदी हैं। ये फूफा जी की दीदी हैं है ना। चलो ठीक है फिर अभी निकलना है ना डायरेक्ट। चलो सुबह गाड़ी देखो अपनी लगी वहाँ पर छोटे बहू की दुकान की साइड, और ये बैग लेके मैं जा ही रहा हूँ अभी। और यहाँ यार ठंडा हो रहा है इधर की साइड, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी ऊपर की साइड। और इसको उठा उठा के ना सच्ची में बाइसेप आ गए मेरे सच्ची में। और यार अभी तक मेरे ना सच्ची में यहाँ पर नहीं जा पाया यार मैं इधर की साइड आज तक। और अभी भी बताओ मैं जा रहा हूँ बहन के लिए तब भी नहीं जा पाया। ये रहा हमारे एरिया का सबसे ठंडा पानी आने का जरिया, और एक सूत्र कहते हैं ना जिसे, यही है बहुत ठंडा पानी आता है इसमें। तो दादी कह रही थी इससे मत पीना पानी क्योंकि भैया जुखाम लग जाएगा, बट कोई नहीं अभी ज़रा बाहर ही जा रहे हैं तो पी लेते हैं। सही है नहीं तो सुबह सुबह पीना बेकार है। ये बैग लग फंसने। अब हम बाग दौड़े दौड़ दिए।
चलो दादी बाय। तो चलो भैया पानी ढूंढ लेते हैं अभी यहाँ से। ये लो यहाँ का नेचुरल पानी, ठंडा ठंडा। अपना नंबर भी देना भैया, मैं इसमें डालूंगा। हाँ नंबर है मेरे को, नंबर है नंबर तो मेरा। वही नंबर नहीं, वैसे स्क्रीन में डाल दूंगा ना। आप अपना नंबर बताओ भैया एक बार। कौन सा नंबर? जैसे अभी किसी को कांटेक्ट करना हो आपसे। अच्छा, जैसे आप दिल्ली के लिए जाते हो क्या? हाँ हाँ हाँ, दिल्ली के लिए या दिल्ली से वापस ऐसे में, तो ऐसे में नंबर दो भी अपना एक बार। 9756352829। तो भैया से आप बात कर सकते हैं कभी भी आपको जैसे बुकिंग करवानी हो तो। हर जगह की है। जैसे हमारे पास में सबसे पास में बल्लू भैया का है कि कभी भी कहीं जाना है तो आराम से गाड़ी में उनको बोलो और सीधा चलो।